चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मितेश ठक्कर जुड़े हैं। मितेश, गुड मॉर्निंग। मितेश, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। क्या ये डेड कैट बाउंस की तरह देखें इसे, या फिर एक फर्म साइन ऑफ बॉटम इन प्लेस, और अब अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी के ऊपर? मॉर्निंग अनुज, मेरा जो बायस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, तो मुझे लगता है कि बॉटम बन गया है और मंडे की गैप के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन, इनफैक्ट मंडे आफ्टर द गैप है वो मार्केट्स कंसोलिडेशन कंसोलिडेट ही कर रहा था, और कल भी ऐसे ही हुआ और आज भी हमने वही सीन देखा है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि मंडे का जो लो था इंट्राडे बेसिस पे वो 24,135, कल था 24,125, आज 24,145, सो ब्रॉडली 24,150 24,100 के बीच में अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं। तो अगर ये लेवल को नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि इवेंचुअली 24,350 के ऊपर निफ्टी जाएगा और 24,500 24,600 के रेंज में भी जा सकता है। तो व्यू फिलहाल के लिए पॉजिटिव है, अनलेस अंटिल हम लोग 24,100 24,000 की गैप को फिल करना चालू करें, जो कि मंडे को हुई थी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। तो फॉर द टाइमिंग ट्रेड विद पॉजिटिव बायस। इनफैक्ट इंट्राडे में अगर आपको निफ्टी 24,150 के आसपास दिखता है तो वहां पर 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लॉन्ग इनिशिएट भी किया जा सकता है। ओके मितेश जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड, ये बैंक निफ्टी के लिए वो टर्बुलेंस वाला जोन, आई मीन दैट आई थिंक 52,500 जो कि अक्टूबर सीरीज का हाई था एंड सो फार एज फॉर नवंबर एज वेल, यहीं पे ट्रेड्स को बुक कर लें, कैश में कन्वर्ट कर लें, और इस बार ये 550-60 की पार होने की एक्सपेक्टेशन लग रही है क्या आपको? और अगर वो पार होता है तो कहाँ तक का मूव ड्यू है निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग विरेन भाई, आई थिंक जो आपने लेवल बताया है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी सटीक लेवल है। इनफैक्ट कई सारे इंट्राडे स्विंग्स 4 या 5 में देख सकता हूँ पिछले कुछ हफ्तों में, 52,500 के आसपास गिवन टेक 50 पॉइंट्स, जो कि बैंक निफ्टी में बड़ा पॉइंट बड़ा गैप नहीं है, आई थिंक उस लेवल के आसपास पीक आउट हुआ। तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये एक सेंस करता है कि आप 52,500 के आसपास जब भी बैंक निफ्टी को देखें तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके वापस से आप री एंट्री की ट्राई करें 52,000 के आसपास के लेवल्स पे। इवेंचुअली मेरा बायस जरूर ये है कि वो शायद प्रोबेबिलिटी हायर है कि 52,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, परंतु कब करेगा वो मुझे भी आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू ओनली गिव अ सिग्नल कि जब निफ्टी खुद वो बैंक निफ्टी खुद उन स्तर के ऊपर जाए तब जाके आप 52,600 के क्रॉस होने पर तेजी करें। और फिर जो टारगेट बैठेगा वो पहला टारगेट होगा 53,200-53,250 के आसपास का, और सब कुछ अच्छा रहा और मार्केट अगर कंटिन्यू करता है इस मोमेंटम को तो 53,600 तक का। तो सेटअप पॉजिटिव है, परंतु 52,500-52,600 का जो जोन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हर्डल है, तो वहां पे प्रॉफिट्स बुक करें और 52,600 के ऊपर फिर नई तेजी करने के बारे में सोचें बैंक निफ्टी के लिए। ओके बैंक निफ्टी। अच्छा मितेश जी, स्क्रीन पे केमिकल्स में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है अलॉन्ग विद आई थिंक एंटायर रियल स्टेट एंसर, जिसको लीड कर रहा है पॉलीकैब, एंड पॉलीकैब जनरली आई मीन ड्यूरिंग दैट रोल ओवर प्रोसेस अच्छा करता है, नई सीरीज से कमेंसमेंट पे अच्छा करता है। इस बास्केट में आपको क्या इंप्रेस कर रहा है आज? पॉलीकैब इनफैक्ट मेरा सुबह सिस्टर चैनल पे बाय कॉल भी था, ये काफी अच्छा चार्ट है और पॉलीकैब मुझे लग रहा है कि ये 7,300-7,400 के स्तर पे जा सकता है, और शायद मैंने सुबह जब आपका मॉर्निंग शो देखा था तब आपने भी पॉलीकैब रिकमेंड किया था। बहुत अच्छी पैटर्न है, यहाँ पर किसी के पास लॉन्ग है तो बने रहें। अब एक समय आ गया कि स्टॉप लॉस को आप 6,900 के जस्ट नीचे ले जाकर टेल कर दें और 7,300-7,400 के रेंज के लिए स्टॉक को होल्ड करें। ओके तो यहाँ पे पॉलीकैप पे बात होगी, केमिकल पे बात होगी। अच्छा एक चीज़ और स्क्रीन पे जो कि आज क्लियरली परसिस्ट कर रही है वो है आईटी, एक बार फिर से लीडरशिप लेता हुआ निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 102 अंकों पर है, आई मीन कहने को ये ऑल टाइम हाई पे है। मैं अगर पूछूँ तो मितेश, आज HCL टेक्नोलॉजीज की लार्ज कैप आईटी में थोड़ी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, आपको क्या इम्प्रेस कर रहा है आईटी में? मुझे इनफैक्ट एंटायर सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है, और जो नया एडिशन है वो है बीसॉफ्ट बिरला सॉफ्ट, आई थिंक ये थोड़ा सा लेट था स्टॉक रिवर्सल देने में, परंतु कल हमने इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखा, आज माइल्ड फॉलो थ्रू है। डिस्क्लेमर, मेरे पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, परंतु मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक 590-587 के स्तर को तोड़ेगा नहीं तो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया करीबन 10-12 रुपए का, यहाँ से नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया। और ऊपर में जो पहला टारगेट मैं इसमें देख रहा हूँ वो है करीबन 625 का, और उसके बाद उसका 200 एवरेज जो कि करीबन 655-60 की रेंज में आता है उस स्तर को भी छू सकता है। तो ये एक नया एडिशन, उसके अलावा जैसा आपने बताया आईटी में सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, पर तो फ्रेश एंट्री के हिसाब से बीसॉफ्ट एक स्टॉक रहेगा। उसके अलावा मुझे LTTS और LTIM भी अच्छे लगते हैं, तो LTTS में आई थिंक 5,390-5,385 के आसपास के स्टॉक से इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, और ये स्टॉक मुझे 5,600 के ऊपर जाता हुआ दिखता है।
अच्छा मितेश जी, पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे, डिफेंस में स्पेशली आई मीन ये दीज टू डेरिवेटिव कैंडिडेट्स HAL BL, जिस प्रकार की इनकी प्लेसमेंट है, मतलब हमारे पास लगभग जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल क्रॉस हो रही है, प्राइस चल रहा है लेकिन लोग कन्विक्शन नहीं जुटा पा रहे, और ऐसे में स्टॉक्स हमेशा ट्रेवल करते हैं मितेश जी हिस्टोरिकली, जब आधा ज़माना कन्विक्शन नहीं जुटा पाता और वो चल रहे हैं इस वक्त, आपका व्यू क्या कहता है, क्या चेज करना चाहिए क्या डिफेंस को? आई थिंक आपने जो पॉइंट रेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब स्टॉक में मोमेंटम आता है तो जनरली ऐसा होता है कि जो वीक हैंड्स होते हैं वो एक दो झटके में शेकआउट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस में अभी भी काफी अपसाइड है। टॉप पिक मेरा जो रहेगा BEL, अगेन डिस्क्लेमर कि मेरी यहाँ पर कुछ कॉल स्प्रेड्स हैं बुलिश साइड में, दिसंबर के स्ट्राइक पे 305 का कॉल लेके 325 का कॉल बेचा हुआ है, तो एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, परंतु BEL और HAL मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं स्पेस में। HAL में जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो था करीबन 4380 का, जिसको कि आज सुबह सुबह उसने ब्रेकआउट दिया है, और अब ये लगता है कि जो हाई इसने अक्टूबर में बनाया था 4675-80 के रेंज का, आई थिंक वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में पॉजिटिव व्यू है। BEL में मैं 325-330 के रेंज में दिसंबर एक्सपायरी में टारगेट्स देख रहा हूँ, और दोनों ही स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ओके मितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे यहाँ पे बाजार के निफ्टी बैंक के IT के केमिकल्स के और डिफेंस के सेटअप को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।